यही यही मंत्र दिए हैं कि आपको कोई मंत्र नहीं देना है। सर अमित शाह की बैठक में क्या कुछ हुआ है क्या? चलिए संगठन की बात हुई, किस तरीके से पार्टी और मजबूत, क्या क्या हुआ सर बैठक? कुछ नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बीजेपी की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है और देख सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में बैठक थी जो बीजेपी के दफ्तर के अंदर है, और अब देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो बीजेपी के दफ्तर के अंदर ही देखिए किस तरीके से गुजर रहे हैं। बैठक जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है। अमित शाह और जेपी नड्डा ने बिहार के सांसद एमपी और विधायकों को साल 2024 के लिए मंत्र दिया, और अब बीजेपी दफ्तर के अंदर जो संजय जायसवाल का जो कक्ष है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का जो कक्ष है उसके अंदर उन्होंने वो अभी दाखिल हुए हैं। तो कुल मिलाकर कहें कि ये एक बड़ी बैठक रही जिसे अमित शाह ने लिया। कुल मिलाकर कहें कि ये अमित शाह की एक क्लास थी, और जिसमें कि बिहार के सभी जो सांसद थे, विधायक थे, सभी को बुलाया गया, और उससे भी बात करेंगे और ये जानने करेंगे। देखिए नीरज जी, क्या कुछ अमित शाह की ये बैठक थी, क्या कुछ हुआ है इस बैठक में? पार्टी के मजबूती का बात हो रही है, पार्टी कैसे मजबूत हो, कैसे मजबूत हो, कृषि मंत्री हैं, क्या कुछ हुआ बैठक में? अब बैठक में जो हुआ हुआ, अपना संगठन की बात हुई। साफ तौर पे कहना है कि संगठन की बात हुई, किस तरीके से पार्टी और मजबूत हो, क्या क्या हुआ सर बैठक? कुछ नहीं हुआ। देख सकते हैं कि बैठक खत्म हो चुकी है, और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए डिप्टी सीएम रेणु देवी होंगे। मैम, क्या बातें हुई अमित शाह की मीटिंग? क्या जी, अपना संगठन का काम है, संगठन की बात होती है। 2024 में करना है कैसे? ऐसे ऐसे थोड़े हैं, संगठन हमारा तत्पर हमेशा चलते रहता है, हम चरई वेती करते हैं, इसलिए चलते रहते हैं। संगठन कैसे मजबूत हो इसको लेकर चर्चा जो है वो अमित शाह ने बैठक में की, और आप देख सकते हैं कि एक एक करके विधायक और जो सांसद हैं, हम जो विधायक हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, वो एक एक करके इस बैठक से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, और जहां पर देख सकते हैं कि गिरिराज सिंह भी मौजूद हैं। कोशिश करेंगे कि हम गिरिराज सिंह से बात करें। देखिए गिरिराज सिंह फिलहाल जो हैं वो सर, क्या क्या बातें हुई अमित शाह की? वो बढ़िया प्यार प्यार से बातें हुई। बिहार की सियासत को लेकर के, बिहार के संदर्भ में कुछ चर्चा हो गया? बढ़िया से सबका हालचाल पूछा गया, घर द्वार का हालचाल पूछा गया, पूछा गया आपके परिवार में सब लोग ठीक ठाक? 2024 को लेकर के, 25 के चुनाव को लेकर के कुछ बात ना मंत्र जंतर पर मिलाकर कहें कि गिरिराज सिंह नहीं बताना चाह रहे थे कि आखिर बैठक में क्या हुआ, और ज़्यादातर जो भी सदस्य थे वो खुलकर नहीं बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है इस बैठक में। और हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी मौजूद होंगे, क्या कुछ हुआ है बैठक में, क्या मंत्र दिया है अमित शाह? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, संगठन की बैठक आने के लिए मना किया गया? नहीं। चलिए देख सकते हैं कि बैठक जो है वो ख़त्म हो गई है, और एक एक करके एमएलसी और विधायक और बीजेपी के निकल रहे हैं। विजुअल्स देखिए, लाइव विजुअल, तो अंदर अमित शाह, जेपी नड्डा जो हैं वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के कक्ष में मौजूद हैं, और वहां पर नेताओं के बीच में जो गुफ्तगु है वो जारी है। तो कुल मिलाकर कहें कि बीजेपी के दफ्तर के अंदर माहौल जो है वो खुशनुमा है, सभी जो नेता हैं, जो लीडरान हैं, वो जोश से लबरेज दिख रहे हैं। हम जीवेश मिश्रा जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जीवेश जी, क्या हुआ है बैठक में, क्या कुछ स्पोक्स पर्सन बताएंगे? स्पोक्स पर्सन लेकिन आप लोगों को कोई मंत्र दिया होगा ना? यही मंत्र दिए हैं कि आपको कोई मंत्र नहीं देना है। देखिए साफ तौर पर जो बैठक में शिरकत कर रहे नेता है वो कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। सर अमित शाह की बैठक में क्या कुछ हुआ है, क्या
चलिए फिलहाल देखिए हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं।